हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम अगला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आपके पास एक ऐसी परत है, अर्थात एक ऐसी शीट है जिसका लंबाई अनंत है। मतलब मान लेते हैं कि इस शीट की लंबाई इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है, और ये पूरी तरह से आवेशित है। इसको हमने जो भी आवेश दे रखा है वो इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है, ऐसे। और इस शीट के अक्ष पर, अर्थात बीच में से जो लाइन पास हो रही है, इस पर स्थित एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमको गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की गाउस के नियम की सहायता से। टॉपिक बहुत ज्यादा आसान होगा, सिस्टमेटिक वे में मैं आपको पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाए। शुरू करते हैं। गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालने से पहले एक छोटा सा काम हम करेंगे कि ये जो आपकी आवेश शीट है जिसका विस्तार अनंत है, मतलब इधर भी ये अनंत है और इधर भी ये अनंत है, तो इसका जो अनंत विस्तार की शीट है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी हम दिशा निकालेंगे। क्योंकि पहले एक बार दिशा आएगी तो हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से गाउसीय सरफेस बना करके, गाउसीय पथ बना करके नियम को लगा पाएंगे। तो दिशा निकालना हमारा पहला उद्देश्य है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी शीट है इसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं इस तरह से, और एक छोटा सा अल्पांश यहां मान लेते हैं इस तरह से। अब ये जो शीट है वो वास्तव में ऐसे रखी हुई है, अक्ष इसका ये हो गया और बिंदु P यहां पर है जहां पे हमको गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की दिशा की। पहले हम दिशा निकाल रहे हैं। अब इस बिंदु पर ये जो हिस्सा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, इस बिंदु पर ये जो छोटा सा अल्पांश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, और फिर उसको अपन सॉल्व करके दिशा निकालेंगे। कैसे होगा देखिए, आसान है। तो सबसे पहले ये जो हमने अल्पांश चुने हैं उनको यहां बना लेते हैं। ये अल्पांश है एक आपका हल्का सा dq बोल सकते हो, एक ये हल्का सा अल्पांश है। जितना सेंटर लाइन से ये ऊपर है उतना ये नीचे है। यहां जितना भी आवेश है उसके कारण अगर आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हो तो ये जो अल्पांश है ये धनावेशित है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये जो आपका प्लस है, यहाँ पे प्लस ही है ना, धनावेश, तो इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है तो वो धनावेश से दूर होगा इस तरह से। जिस भी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र देखते हैं धनावेश के कारण, वो धनावेश से दूर होता है। तो ये आपका आवेश है प्लस, आप इस बिंदु पर देख रहे हो तो इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र से दूर होगा ऐसे। आप इसको DE बोल सकते हो, छोटे से आवेश के कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, जो यहां पर नीचे आवेश है आपका उसके कारण उस बिंदु P पर अगर आप देखते हो विद्युत क्षेत्र, तो P से उस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्योंकि प्लस है इसलिए सेम चीज दूर होगा। तो यहां पे इस तरह से दूर होगा। तो यहां बनाऊं अगर मैं तो विद्युत क्षेत्र DE आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं। अगर यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अपन एक काम करते हैं, डीई के घटक करते हैं। तो अगर इस डीई का घटक आप इस तरफ लोगे तो आएगा डीई कॉस थीटा। अपन को पता होना चाहिए कि कोण की तरफ जो घटक आता है वो होता है कॉस, और कोण के विपरीत जो आता है वो होता है साइन। तो यहां पर इस DE का इधर घटक आएगा DE cos थीटा, ऐसे ही इस DE का इधर घटक आएगा DE cos थीटा, DE का इसके विपरीत घटक आएगा DE sin थीटा, और इस DE का इसके विपरीत आएगा DE sin थीटा। ओके, अब अगर सोचा जाए तो DE cos थीटा जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है, और DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। इसका मतलब
इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल सामने की दिशा में बचेगा, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमको केवल दिशा से मतलब था वो निकल करके आ गई। कि अब आप सोचो, जब इसके कारण और इसके कारण कट करके ये हालात आ रहे हैं, तो ऊपर का जितना भी है और नीचे का जितना भी है, ऊपर का जितना भी है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे आएगा, नीचे का जितना भी है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे आएगा। जब दोनों के घटक करेंगे तो इधर वाले घटक जुड़ जाएंगे और विपरीत वाले घटक कट जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र का मान तो आपकी शीट के लंबवत सामने की ओर आएगा। अगर शॉर्ट में बनाऊं तो अगर ये आपकी शीट है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। ये इसका कंक्लूजन निकल के आता है, ये अपन ने दिशा निकाल ली। अब अपन निकालेंगे मान, और मान के लिए अपन इसके लिए गाउसीय पथ का चयन करेंगे और फिर गाउस का नियम लगाएंगे। अब अपन वो चीज शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शीट के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अपन ने निकाल ली, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस शीट के, जैसे आपकी शीट है तो इसके लंबवत आगे की ओर है, क्योंकि ये धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा। तो इधर देखें तो इसके लंबवत उधर की ओर, और इसके पीछे देखें तो शीट से दूर इधर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र आगे ऐसे दिखेगा और पीछे की तरफ इस तरह से दिखेगा, और तल के लंबवत होगा। इतना हम सबको समझ में आ गया। अब हमने विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए गाउसीय पथ बनाया। गाउसीय पथ एक बंद पथ होता है, तो हमने इस तरह से सिलेंडर के रूप में, ये जो आपको ऑरेंज कलर का सिलेंडर दिख रहा है, इस तरह के रूप में एक गाउसीय पृष्ठ यहाँ पे मान लिया, जो शीट के बीच में से इस तरह से पार हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। जो हमारा बिंदु P है ये वाला, वो बिंदु P यहाँ स्थित है, ऐसे ये बिंदु P यहाँ स्थित है। अब हमको ये देखना है कि इस गाउसीय पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स पास होता है। पहले अपन फाई का मान निकालेंगे परिभाषा से, जो होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस, और फिर अपन निकालेंगे फाई का मान गाउस के नियम से, जो होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इन दोनों को बराबर कर देंगे और यहां से ई का मान निकल के आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले वाले डेरिवेशंस में हमने किया है। शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो भैया, अब यहाँ पे ये जो सतह है, ये सतह के चार हिस्से हैं। एक तो ये गोलाकार भाग वन, एक ये पीछे का गोलाकार भाग दो, एक ये वाला भाग तीन, एक ये वाला भाग चार। अब दोस्तों, ये जो हमारा गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ के चार हिस्से हो सकते हैं। पहला तो ये समतल सतह, ये नंबर वन लिखा हुआ है, ये आपके बेलन की समतल सतह है, तो ये पहली सतह, समतल भाग, समतल वन। ऐसे ही एक समतल पीछे होगा, ढका हुआ नहीं है ये, यहां पे एक समतल पीछे होगा, तो ये है समतल दो। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये गोलाकार है, ऐसे ये गोलाकार हिस्सा है, ऊपर वाला जो है वक्रीय भाग वन, तो ये वक्रीय भाग वन हो गया। ऐसे ही इधर होगा, तो इसको अपन बोलेंगे वक्रीय भाग दो। तो हमको चारों सेक्शन से फ्लक्स दिखना पड़ेगा। एक तो ये समतल वृत्तीय भाग वन, समतल वृत्तीय भाग दो, वक्रीय भाग इधर वाला, वक्रीय भाग इधर वाला। तो अपन फ्लक्स को, फाई को चार हिस्सों में लिख सकते हैं। फाई वक्रीय भाग वन, वक्रीय वन लिख देता हूं, प्लस फाई वक्रीय दो, प्लस फाइ समतल वन, प्लस फाइ समतल दो। अब इसको चार हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अपन अलग अलग कर लेते हैं। ईडीएस कॉस थीटा वक्रीय वन के लिए, EDS cos theta वक्रीय दो के लिए, EDS cos theta समतल वन के लिए,
और ईडीएस कॉस थीटा समतल दो के लिए। चलिए अब हमें प्रत्येक स्थिति पर दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और दूसरा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्योंकि हर जगह विद्युत क्षेत्र ई होगा और क्षेत्रफल सदिश डीएस होगा जिसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब देखो यहां पर हो इन चारों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये वाली काम में आएगी कि शीट के उधर उसके लंबवत आगे की ओर इधर इस तरफ, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। इस बिंदु पर देखोगे तो भी विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत है, ऐसे होगा। यहां देखोगे तो प्लस से दूर लंबवत, ऐसे होगा विद्युत क्षेत्र, और यहां देखोगे तो भी लंबवत, ऐसे होगा विद्युत क्षेत्र। तो चारों स्थितियों के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा आपके लिए बना दी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए हम इतनी मेहनत की थी उधर, उसको अपने यहां पे काम में ले लिया कि इधर की तरफ ऐसे लंबवत, यहां ऐसे लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है इधर भी और उधर भी, प्लस से दूर लंबवत, प्लस से दूर लंबवत। अब अगर बात करें डीएस की, तो ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत आएगा, तो ये जो आपका क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के लंबवत ऐसे आएगा। उसको यहां दिखाओगे तो इस क्षेत्रफल के लंबवत इस तरफ, ये हो गया डीएस। अब अगर इस सतह की बात की जाए जो वक्रित है, तो वक्रित हिस्से के लंबवत, यह आपका वक्रित हिस्सा है, इसका लंबवत ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर डीएस आपको ऐसे मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इधर आते हैं, इधर आप देखोगे तो यहां भी जो वक्रित हिस्सा है उस पर डीएस ऊपर की ओर मिलेगा। डीएस का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो ये आपका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के लंबवत ऐसे आएगा, क्योंकि ये घुमा हुआ हिस्सा है ना, इस हिस्से के आप छोटा सा पार्ट लेकर के लंबवत बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, इसके लंबवत बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। यहां डीएस वेक्टर ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे, ये डायरेक्शन, और इधर इधर फिर से वही, ये आपका समतल सतह है, इसके लंबवत ऐसे होगा आपका क्षेत्रफल सदिश, यूं देखेंगे तो इधर आएगा। यहां थीटा 0, यहां थीटा 90, देखो ना 90 डिग्री, यहां थीटा 90 और यहां थीटा 0, ई भी उधर, डीएस भी उधर 0, डीएस उधर, ई इधर 90, डीएस ऊपर, ई इधर 90, डीएस भी इधर, ई भी इधर 0। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 शून्य होता है, तो अगर कॉस 90 शून्य है तो यहां पे थीटा 90 डिग्री है वक्रीय 2 में, और वक्रीय 1 में भी थीटा 90 है, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के, बचेगा कौन, केवल समतल। तो आगे देखते हैं, फाई बराबर समाकलन ई डीएस कॉस 0 प्लस ई डीएस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो यहां भी कॉस 0 1, यहां भी कॉस 0 1, ट्वाइस ऑफ ई डीएस, और किसका समाकलन हो रहा है, समतल सतह का, समतल 1 समतल 2। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ट्वाइस कर दो, अब ई बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा डीएस का समतल के लिए। अब डीएस क्या है वो जरा समझिए, ये जो डीएस आपका है, ये आपके ये जो हिस्सा है इसका छोटा सा भाग डीएस है, इसका इतना सा भाग डीएस है, तो अगर इस पूरे का आप समाकलन करोगे तो ये पूरी सतह आ जाएगी। तो मान लेते हैं तो ये जो डीएस छोटा सा हिस्सा था समतल सतह का, हमने मान लिया कि पूरी सतह का क्षेत्रफल कितना है, एस है, तो यहां आ जाएगा एस, ये हो गया 2ES, तो फाई आपका निकल के आ गया 2ES, परिभाषा से इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं गाउस का नियम, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से दोस्तों देखा जाए तो फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
जहां सिग्मा क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। अब गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, यहां पे फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपकी शीट है, इस शीट के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। मैं एक बार आपको बता देता हूं, यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। इसका मतलब हो गया एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश उपस्थित है वो है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इसको अपन बोलते हैं। मतलब अगर कोई शीट आपको दे रखी है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो क्या कहलाता है, सिग्मा। अब देखिएगा, ये जो आपका शीट है इस पूरी शीट के ऊपर आवेश फैला हुआ है, इसके एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश है वो सिग्मा है। अब आपको गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश चाहिए, तो गाउसीय पृष्ठ आपका इस गोले जितना है, यहां से एंटर कर रहा है यहां से बाहर निकल रहा है, सिलेंडर की तरह है। तो ये सिलेंडर कितना सेक्शन कवर कर रहा है, ये सिलेंडर आपका सामने से दिखाऊं तो ये सिलेंडर शीट का उतना भाग कवर कर रहा है जितना इस गोले का क्षेत्रफल है। मतलब इसके अंदर उतना आवेश आएगा जितना इसके अंदर आ सकता है। इसका क्षेत्रफल अपन ने कितना मान रखा है, एस मान रखा है। तो एस क्षेत्रफल के अंदर जो भी आवेश है वो आवेश माना जाएगा इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर। अब आपको पता है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 × 5। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, आपको कितने क्षेत्रफल पे चाहिए गाउसीय पृष्ठ के लिए, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है जिसके अंदर आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल पे आवेश सिग्मा है, हमें चाहिए एस के लिए, तो सिग्मा इंटू क्या कर देंगे, एस कर देंगे। तो यहां पे जो आवेश होगा सिग्मा क्यू वो हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर आवेश गुणा आपको जितने क्षेत्रफल पे चाहिए। तो ये जो गोला वाला भाग है उतना ही भाग जो है गाउसीय पृष्ठ का है, मतलब उसके अंदर जितना आवेश आ रहा है वही आपको चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल एस है, एकांक क्षेत्रफल पे आवेश सिग्मा है, आपको इतने में चाहिए, तो सिग्मा इंटू क्या कर दोगे, एस। तो आपका सिग्मा क्यू निकल के आता है सिग्मा इंटू एस। ये सिग्मा जोड़ का है, ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का है। अब यहां से मान रख दीजिए पाई बराबर क्या निकल के आ रहा है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण दो। अब समीकरण एक से भी फाई निकल के आ गया, समीकरण दो से भी फाई निकल के आ गया, समीकरण एक और दो से जो हो सकता है वो यहां करते हैं। समीकरण एक व दो से इसको बराबर कर दीजिए इसके, तो 2es बराबर हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एस से एस कट गया, ये कितना निकल के आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका मान निकल के आ गया कि अगर आपके पास एक आवेशित परत है जो अनंत विस्तार की है तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो उसका मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक मस्त बात है, इसके अंदर आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो मान निश्चित है, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी ये चीज नहीं आ रही है कि इस बिंदु P की इससे जो दूरी है मान लो वो x है, तो वो x इस फॉर्मूले में कहीं भी नहीं आता है। सिग्मा अपने आप में एक नियतांक है, सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात एकांक क्षेत्रफल पे घनत्व, जो एक शीट के लिए फिक्स हो जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट वैसे नियतांक होता है, इसका मतलब ये जो E है वो दिए गए शीट के लिए क्या है, नियत है, और आप कितनी दूरी पर खड़े हो उससे मतलब नहीं है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहां खड़े हो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां खड़े हो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां खड़े हो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस याद रखना, अगर ये प्लस है शीट तो इससे दूर लंबवत, अगर ये शीट माइनस होगी तो इसकी तरफ लंबवत, समझ गए। अगर ये माइनस होगा तो विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, प्लस है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे है। था मजेदार टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करा के वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों अब इस टॉपिक का अपन फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपके पास एक शीट थी, वो जो शीट थी उस शीट से लंबवत एक बिंदु P था जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। उसकी गणना करने के लिए आपने क्या किया, उस शीट के ऊपर एक अल्पांश माना और ऐसे ही एक नीचे अल्पांश माना। तो ये जो अल्पांश है ये आपका लाइन है जिसके ऊपर एक बिंदु P यहां पर स्थित है।
तो ये जो ऊपर वाला अल्पांश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे आई डी, इसके कारण प्लस से दूर होती है तो इस तरह से आई डी। इनके जब घटक किए तो डी कॉस थीटा जुड़ रहे थे और डी साइन थीटा कैंसिल हो रहे थे, मतलब जो विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा वो इस शीट के लंबवत इससे दूर देखने को मिलेगा, अर्थात इस तरह से। और इधर देखेंगे तो क्योंकि ये प्लस है तो प्लस से दूर इसके लंबवत इस तरह से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसका मान निकालने के लिए एक गाउसीय प्रश्न की परिकल्पना की जो इस तरह से शीट के बीच में से पास हो रही थी और एक सिलेंडर के रूप में थी, एक बेलन के रूप में थी। बेलन के चार भाग होते हैं, एक तो इसका वृत्तीय समतल भाग एक, वृत्तीय समतल भाग दो, इसका वर्गाकार भाग एक इस तरफ, एक वर्गाकार भाग इस तरफ। तो हमने चार तरह से इसका फाइल लिखने की कोशिश करी। विद्युत क्षेत्र का मान तो हम यहाँ पे निकाल चुके थे कि विद्युत क्षेत्र देखा जाएगा तो इधर आगे की तरफ होगा ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ भी ई ऐसे, यहाँ भी ई ऐसे, पीछे लंबवत उधर की ओर होगा तो उधर ई, उधर भी ई। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हम निकाल चुके थे। डीएस की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से निकलती है, तो ये क्षेत्रफल के लंबवत ऐसे इधर, इस वक्रीय भाग के लंबवत ऊपर, इस वक्रीय के लंबवत ऊपर, इसके ये समतल है, समतल के लंबवत इधर। तो विद्युत क्षेत्र और डीएस के बीच में एंगल जीरो, 90 90 0 90 90 वाले हट गए, 0 0 वाले बच गए। बाद में मान लिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो एस है, तो बाद में उसको एस लिखने पर निकल के आ गया 2s। जब गाउस के नियम से लगाया तो हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ी, इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश उपस्थित है। अब अगर एकांक क्षेत्रफल के ऊपर सिग्मा आवेश उपस्थित है तो हमारा गाउसीय प्रस्थ जो इसके अंदर से निकल रहा है वो गोले के बराबर है, जिस गोले का क्षेत्रफल एस है। एक तरह से ये वाले भाग के अंदर ही तो आवेश आएगा, तो ये अगर एस है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है, तो इसमें कितना होगा, सिग्मा इंटू एस, और ये आपके पास हो गया सिग्मा क्यूब। उसके बाद दोनों को बराबर कर दिया और आपके पास ई का मान निकल के आ गया, जो आपको ये बताता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि आप कितनी दूर हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मान फिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी का ट्विस्ट देख लेते हैं, फिर अपन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग स्थितियों में आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है इस तरह की परत के लिए, शीट के लिए, तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है, फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है प्लस से दूर और माइनस की तरफ, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से दूर होती है और माइनस की तरफ होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए एक शीट है और इस बार आपकी शीट जो है ऐसे रखी हुई है इस तरह से, तो आपसे कहा जाए कि इस बिंदु पर बताइए और इस बिंदु पर बताइए विद्युत क्षेत्र का मान और उसकी दिशा। देखिए लॉजिक बस एक ही याद रखना है, प्लस से दूर होता है, तो यहां पर ये आपका प्लस है, ये आपका बिंदु है, प्लस से दूर इधर होगा, यहां दिशा ऐसे आएगी, ये प्लस है, ये आपका बिंदु है, प्लस से दूर उधर होगा। तो सबसे पहले दिशा निकालने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तो सूत्र आपको पता ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस से दूर, प्लस से दूर। यहां देखते हैं, अब सपोज ये माइनस होता, पहले इसको कर लेते हैं, ये माइनस होता तो माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, तो माइनस ये है, ये बिंदु है, माइनस की तरफ ऐसे, माइनस की तरफ ऐसे, मान कितना होगा, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर देखते हैं, तीनों के कारण चेक करेंगे, तीनों बिंदुओं पर चेक करेंगे, इन दोनों के कारण प्लस से दूर, तो इस बिंदु पर प्लस से दूर इधर कितना, सिग्मा वन के हिसाब से सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस से दूर, तो इस प्लस से दूर इधर, इधर ही सेम डायरेक्शन, प्लस से दूर, प्लस से दूर कितना, सिग्मा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में देखोगे ये रहा प्लस, इसके कारण इससे दूर उधर सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस से दूर, तो इस बिंदु पर देखोगे तो प्लस से दूर इधर की तरफ। समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये देखना है कि जो बिंदु है और जो प्लस है तो इस बिंदु पर प्लस से दूर होना चाहिए। तो ये बिंदु यहां पर है, शीट यहां पर है आपकी, तो इस प्लस से, इस शीट से दूर इधर, अगर शीट यहां पर है, ये बिंदु पर आप देख रहे हो, तो इस शीट से दूर उधर, तो सिग्मा टू वाला उधर आ रहा है, सिग्मा वन वाला इधर आ रहा है। यहां देखेंगे इस प्लस वाली शीट से दूर, इस प्लस वाली शीट से भी दूर, इधर ही, इधर ही सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आसान है। इधर करते हैं,
इसके कारण प्लस से दूर, तो ये प्लस है ये बिंदु है, इस बिंदु पर प्लस से दूर इधर होगा, दूर करेगा वो, तो सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। माइनस की तरफ, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र माइनस की तरफ, ये रहा माइनस, इसकी तरफ ऐसे होगा। इस बिंदु पर देखें, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, प्लस से दूर ऐसे, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो है ये इस प्लस से दूर है, माइनस की तरफ, तो माइनस की तरफ ऐसे। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। इस बिंदु पर देखोगे ये रहा प्लस, प्लस से दूर सिग्मा वन, सिग्मा वन, सिग्मा वन, प्लस से दूर माइनस की तरफ, माइनस की तरफ, तो सिग्मा टू वाला देखोगे वो हमेशा माइनस की तरफ है, माइनस की तरफ है, प्लस वाला हमेशा उससे दूर होता है, प्लस वाला हमेशा उससे दूर होता है, प्लस वाला हमेशा उससे दूर होता है, माइनस की तरफ, माइनस की तरफ, प्लस वाला हमेशा उससे दूर होता है, प्लस वाला हमेशा उससे दूर होता है। बस ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको न केवल ही समझाया कि एक आवेशित परिक्रमण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, गाउस के नियम से आपको डेरिवेशन करके बताया, और लास्ट में दिशा पहचानना भी सिखाया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये गाउस के नियम का हमने पढ़ा तीसरा अनुप्रयोग। अगले वीडियो में हम लोग चौथा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो एक अनंत चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना वाला टॉपिक रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर नए हैं चैनल पे तो हमारे और भी वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के इस तरह के वीडियो मंडे से फ्राइडे तक शाम को 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू। एंड नोट्स के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।